यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद द्वारा विभिन्न विद्यालयों में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में और विद्यालय प्रांगण के बाहर पौधारोपण हुआ। इस मौके पर ऑफिशिएटिंग कमान अधिकारी कर्नल गौरव गुप्ता, अरुण कुमार शुक्ला, मेजर राजीव ढल, विपिन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष पर्यावरण समिति सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जगवंत सिंह, सूबेदार सतीश कुमार, हवलदार तेज कुमार लिब्बू सहित बड़ी संख्या में एनसीसी क्रेडिट्स ने पौधारोपण किया। एनसीसी क्रेडिट्स में मुख्य रूप से सिद्धार्थ, योगेश कुमार, उदयवीर बिट्टू, प्रिंस कुमार आदि मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम में एनसीसी क्रेडिट्स द्वारा पीपल, नीम, कदम, अमरूद, लीची, आंवले के पौधे लगाए गए। इस मौके पर मेजर राजीव ढल ने कहा कि क्रेडिट्स में बचपन से इस प्रकार के संस्कार डालना जरूरी है कि वो पौधारोपण करें, क्योंकि ऑक्सीजन का प्राकृतिक साधन केवल वृक्ष ही है। आज कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, कहीं मकान, फैक्ट्रियां, दुकान बन रही हैं, जिस कारण वन क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अभी से पौधारोपण करना होगा जो आगे वृक्ष चलकर ऑक्सीजन दे सके। कर्नल गौरव गुप्ता ने क्रेडिट्स को पौधारोपण का महत्व बताया। वृक्षों से वायु, वायु से आयु और आयु वतन के लिए इस संकल्प के साथ पौधारोपण करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण युक्त पर्यावरण और वातावरण दे सकें। प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला और विपिन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष पर्यावरण समिति ने बताया कि इस बारिश के मौसम में पौधारोपण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विद्यालय में निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो सके और वो अधिक से अधिक पौधारोपण करें। आज 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के द्वारा महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया गया। साथ साथ बटालियन के द्वारा विभिन्न विद्यालयों में भी पौधारोपण कराया गया। उसी क्रम में जब महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में पौधारोपण किया गया, इसमें एनसीसी कैडेट, जो विद्यालय के एनसीसी कैडेट हैं, उनके द्वारा विद्यालय प्रांगण में और विद्यालय के आसपास भी पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में ऑफिशिएटिंग कमान अधिकारी 23 यूपी बटालियन कर्नल गौरव गुप्ता जी, मेजर राजीव ढल जी, प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला जी और सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट जगवंत सिंह जी, सूबेदार सतीश कुमार और हवलदार तेज लिंबू आदि उपस्थित रहे, और साथ में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट व विद्यालय के शिक्षक साथी उपस्थित रहे। पौधारोपण कराने का मुख्य उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है कि इन बच्चों के अंदर पौधारोपण का महत्व बताया गया इन्हें, और किस क्यों आवश्यक है हमें पौधारोपण, उसके लिए बताया गया कि क्योंकि ऑक्सीजन का कोई और हमारे पास साधन नहीं है, हमें ऑक्सीजन केवल वृक्षों से मिलती है, तो वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें जीवन में हमारे, तो उसके लिए आज कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ देखिए मकान बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ, दुकानें बनती जा रही हैं, कंक्रीट के जंगलों के कारण क्या होता है, वन क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, तो उससे ऑक्सीजन में समस्या आ रही है लेने में, और आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे। इसलिए बच्चों में बचपन से ही इस प्रकार के संस्कार डालना कि वो पौधारोपण के महत्व समझें और पौधारोपण करें, जिससे कि अपना भी जीवन सुरक्षित रखें और साथ साथ दूसरों का भी जीवन सुरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन सुरक्षित रख सकें। वृक्षों से वायु, वायु से आयु, वृक्षों से वायु, वायु से आयु और आयु वतन के लिए संकल्प के साथ इन एनसीसी कैडेटों ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया।